कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, लखीसराय, छपरा और अरवल की ये तस्वीरें हैं। सब जगह देखा जाए तो सड़कों पर बंद समर्थक उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। और खास बात ये रही कि एक अच्छी बात बंद भी ये रही कि जो एम्बुलेंस है उसको इन लोगों ने नहीं रोका, ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन इसके अलावा अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेनों की आवाजाही को उन्होंने रोका, सड़कों पर उतरे और आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी सड़कों पर उतर कर और बंद कराते देखे गए। और हमारे संवाददाता मरगू बालम हमारे साथ हैं और वो लगातार आज इस खबर पर नजर बना रखे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मरगू, अगर बंद की बात करें, भारत बंद का किसानों के समर्थन में इन लोगों ने, जो विपक्षी पार्टी के तमाम दल हैं, खासतौर पर राजद की अगर बात करें तो वो, उनकी बड़ी भूमिका आज बंद में रही है और जगदानंद सिंह खुद सड़कों पर उतर कर अपनी भागीदारी इसमें निभाए, कितना सफल रहा या फिर कहें कि कितना असर बंद का रहा बिहार में? देखिए मैं जी, निश्चित तौर पर आज सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो 7 बजे सुबह से पटना के लगभग सभी डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स, कारगिल चौराहा, अशोक राजपथ, पट्टन बाईपास पर सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम थे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ विशेष बटालियन को लगाया गया था और लगातार सुबह से ही हमारे जिलों के भी संवाददाता लगे हुए थे। आज 10:30 बजे के बाद वो कार्यक्रम था, बुद्धा स्मृति पार्क से महागठबंधन का एक पूरा जुलूस निकला। सबसे पहले कह सकते हैं एक टू के लोग पहुँचे, उसके बाद AISF के लोग पहुँचे, उसके बाद भाकपा माले के लोग पहुँचे, हालांकि विंग उनका अलग अलग था। उसके बाद जो राजद की जो पूरी टोली आई और खास करके उस राजद की टोली के साथ साथ कांग्रेस के भी लोग थे, और आने के बाद पूरा डाक बंगला लगभग जाम हो गया, 2.5 घंटे तक ये पूरा जाम रहा। लेकिन आज 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि जो हिंसक होता था प्रदर्शन, आपको याद होगा कि राजद का प्रदर्शन हिंसक होता था, एक समय ऐसा भी था कि राजद के प्रदर्शन की घोषणा या बिहार बंद की घोषणा होते ही परीक्षाएं टाल दी जाती थी, स्कूलों की परीक्षाएं, स्कूल बंद कर दिए जाते थे। लेकिन आज बिल्कुल वैसा नहीं था, स्कूलें खुली थी, लोगों ने परीक्षा भी जाके दिया और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उपद्रव की स्थिति थी वो बिल्कुल नहीं थी। हालांकि पटना जंक्शन गोलंबर पर कुछ विजुअल हमारे पास हमने कैप्चर किए कि 2-3 कार्यकर्ता जो थे उन्होंने ट्रक और बस टेम्पो को तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनको दूसरे कार्यकर्ताओं ने समझा करके हटा दिया, पुलिस की व्यवस्था थी। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण थी कि पहली बार आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग कई बंद के बाद ये पहला बार हुआ है कि बंद समर्थक डाक बंगला चौराहे पर जमे हुए हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस भी चुपचाप अपने स्थान पर जमे हुए हैं। इसके पीछे कारण था कि बंद समर्थकों के द्वारा अगर डाक बंगला चौराहे के जहाँ जाम नहीं था, अगर वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी तो अगर लोग पैदल जा रहे थे तो उन्हें बंद समर्थक डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो ये सुकून वाली बात थी। तब उनका कहना था, पुलिस प्रशासन का, यानी बेवजह परेशान नहीं कर रहे थे बंद समर्थक अगर देखा जाए। लेकिन एक और बात है, जैसे जगदानंद सिंह खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सड़कों पर उतरे थे और समर्थकों के साथ जो दुकानें खुली थी, जो लोग थे उन्हें बंद करवा रहे थे और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। आज क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? देखिए उन्होंने कहा कि ये तो जनता का बंद है, महागठबंधन ने सपोर्ट किया है और अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार को समझना पड़ेगा, एनडीए की सरकार को, कि अब कम से कम तीनों कृषि बिल को रद्द करें या वापस लें, या नहीं तो किसान जो संगठन है उसके फेवर में कोई बड़ा डिसीजन लें, ये मांगे थी। दूसरा जो था कि जगदानंद सिंह आज बहुत एक्टिव दिख रहे थे, उसके पीछे कारण था कि तेजस्वी यादव के आने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था और इधर से लगातार बीजेपी के लोग हमलावर थे कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ है, जो उन्होंने हाथ उठा करके महागठबंधन के लोगों के साथ फोटो खिंचाया था राबड़ी आवास के आगे, आपको याद होगा परसों, तो आखिर वो कहाँ है? मेन फोकस तेजस्वी यादव थे, वो नहीं थे, तो जगदानंद सिंह को एक्टिव होना पड़ा। और यही कारण था, आपको याद होगा कि बहुत कम बार आपने ऐसा देखा होगा कि बड़े कार्यक्रम में ही अब्दुल्बारी सिद्दीकी पहुंचते हैं, जयप्रकाश नारायण यादव पहुंचते हैं, आज अब्दुल्बारी सिद्दीकी भी थे, जयप्रकाश नारायण यादव भी थे और ये लोग लगभग 2.5 घंटे तक डगमगा पड़े। ये गैरहाजिरी था, तेजस्वी यादव का इफेक्ट था वो, लेकिन इन लोगों ने निश्चित तौर पर उसका नेतृत्व किया और उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दिया कि ये अभी संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण चीज ये था कि आज प्रशासन के लिए सुकून था कि उपद्रव की घटना कहीं नहीं हुई, तोड़फोड़ कहीं नहीं हुई, लोगों के साथ मारपीट कहीं नहीं हुई, कहीं से ऐसे वीडियो नहीं बीज बनने आए, यह प्रशासन के राहत। ये माना जाए कि बंद में हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई, तो मरगू बालम हमें बता रहे थे कि किस तरीके से बंद का असर राजधानी पटना की सड़कों पर देखा गया। इसके अलावा बिहार के अलग अलग शहरों की बात करें तो बंद का असर देखा गया और मुख्य विपक्षी पार्टी राजद जो बढ़ चढ़ कर इस बंद में हिस्सा ले रही थी उसके मुखिया आज इस बंद में नहीं दिखे और कार्यकर्ता हालांकि खुलकर इस पर नहीं बोल रहे थे और उनके नेता साफ
तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की विचारधारा सब में है और तेजस्वी यादव मौजूद हैं एक तरीके से माना जाए, लेकिन अगर तेजस्वी यादव यहाँ होते तो कार्यकर्ताओं का जोश और भी ज़्यादा दोगुना होता। लेकिन अच्छी बात यह रही, गनीमत की बात यह है कि किसी भी तरीके की हिंसात्मक खबरें आज बंद के दौरान नहीं आई, प्रदर्शन के दौरान नहीं आई, ये एक अच्छी बात रही। और कुल मिलाकर बंद आज रहा है, उसका असर देखने को मिला है। और ये तो बिहार की बात हो गई, अगर बंद में हम झारखंड की बात करें तो वहाँ की भी तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ असर देखने को मिला। हालांकि जो इस वक्त सरकार है झारखंड में और कहीं ना कहीं उनके लोग भी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और इसको लेकर बिल्कुल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चार तस्वीरें झारखंड के, रांची, पलामू, गढ़वा, छः तस्वीरें दिखा रहे हैं सिमडेगा, चाईबासा और बोकारो की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया और कहने के झारखंड में जो इस वक्त सरकार है वो किसानों के समर्थन में है और वो इस बिल के विरोध में है, और ऐसे में ये तस्वीरें झारखंड की बहुत कुछ बयां कर रही। तो झारखंड की तस्वीरें हैं और झारखंड में भी बंद का खासा असर देखने को मिला और जो अलग अलग ज़िलों की हम बात करें तो वहाँ पर लोग कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते नजर आए और कार्यकर्ता ने साफ तौर पर ये मांग की कि ये जो कृषि बिल है वो वापस होना चाहिए और कहीं ना कहीं महंगाई से भी लोग त्रस्त हैं। और आज के बंद में एक और बात निश्चित तौर पर देखने को मिली कि किसानों के समर्थन में लोग उतरे ही थे, लेकिन कुछ ऐसे संगठन थे, कुछ ऐसे लोग थे जो सीधे तौर पर किसान नहीं थे लेकिन वो कुछ यूनियन से जुड़े थे, कुछ संगठन से जुड़े थे, लेकिन उनका ये कहना था कि किसान बिल और इसको लेकर महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ है, इस वजह से हम इस बंद का समर्थन कर रहे हैं ताकि महंगाई इस वजह से बढ़ी है। ये भी एक मुद्दा आज रहा। तो झारखंड में भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला, सड़कों पर महागठबंधन के कार्यकर्ता उतर कर अपने प्रदर्शन करते नजर आए। आज तस्वीरें जो आई है वो निश्चित तौर पर प्रदर्शन किस तरीके से विपक्षी पार्टियां और जो तमाम लोग हैं वो करते नजर आए। झारखंड में जो सरकार है निश्चित तौर पर वो इस बिल के विरोध में और जो कार्यकर्ता और जो किसान आंदोलन में लोग शामिल हैं उनके समर्थन में है। इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर रजनीश जी हैं जो झारखंड की खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए, हम इनसे बात करेंगे। रजनीश, अगर हम बात करें झारखंड की आज बंद को लेकर तो कैसा रहा झारखंड में बंद, कितना इसका प्रभाव देखा गया? अमित, देखिए बिहार से इतर था झारखंड का बंद, बिहार में इस बंद दलों का समर्थित बंद था, तो जहां भी राज समर्थित सत्ताधारी दलों का की मदद से वो बंद होगा तो उसकी स्थिति थोड़ी सी भिन्न होगी। पुलिस की व्यवस्था थोड़ी सी ढीली होगी, आम लोग ज़्यादा सड़कों पर उतरेंगे, दुकानों को ज़्यादा बंद किया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही आलम राजधानी रांची की सड़कों पर था, जहाँ की कांग्रेस, जेएमएम सहित जितने भी दल गठबंधन में शामिल हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, उन सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में सड़क पर उतर पे दुकानों को बंद कराया, ट्रैफिक को रोका। तो मेरे ख्याल से बंद वहाँ का मिला जुला असर रहा उसके बंद का। झारखंड के हेमंत सोरेन की बड़े बड़े नेता भी सड़क पर उतरे, हालांकि बाद में बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने कहा जो नहीं, बिल्कुल टाटाफिस हो गया, कोई बंद किसानों का समर्थन जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन राज्य के अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टें आई हैं और वहाँ जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, दुकानें ज़्यादातर बंद रही, ट्रैफिक सड़क पर नहीं थे, तो इससे झारखंड में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बंद जो था वो बिल्कुल मिला जुला और सरकार तरफ से प्रायोजित बंद जो था उसकी कहीं ना कहीं धमक। छह तस्वीरें हमने इस वक्त दिखाई है अभी झारखंड की, और जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है साफ तौर पर प्रदर्शन नजर आ रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये हमने आपको शुरू में ही कहा, ये चूंकि राज्य समर्थित बंद था तो और उन्होंने ट्रैफिक को रोका। इस दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बिल्कुल बंद वालों ने उसको रोका नहीं, उनको जाने दिया। तो बंद कुल मिला के बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि मिला जुला और उसका कई जिलों में असर देखने को मिला उसका। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
अगर अगर हम बात करें झारखंड की, तो वहां पर भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। हालांकि जो सरकार है इस वक्त झारखंड में, वो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में लोग हैं उनका समर्थन कर रही है, और इस बिल को वापस लेने की मांग जो लोग उठा रहे हैं उसका समर्थन कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये बंद वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया। जातीय जनगणना को लेकर आ रहे बयानों की, और इसमें एक अहम बयान आया है। विजय चौधरी ने यह कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हम तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसको लेकर का हल निकालने की कोशिश की जाएगी और उसको कैसे सहमति बने इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो विजय चौधरी का अहम बयान माना जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर लगातार बयानों का सिलसिला जारी है और बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और इस बैठक में, बैठक के बाद जब वापस निकले, तो उन्होंने भी इस पर कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या बातचीत करना है और कैसे सहमति बने, तमाम पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करेंगे। लेकिन विजय चौधरी ने एक बार फिर से यह बयान दिया है और क्या कुछ कहा है विजय चौधरी, आइए आपको सुनवाते हैं। आगे किस तरीके से क्या प्रोसीड करने का प्लान? वो तो आगे का ही तरीका उन्होंने बताया है कि यहाँ आएंगे और सारे दल के लोगों से बात करेंगे और जो सबों की राय होगी उस हिसाब से काम करेंगे। इसमें तो आगे का ही प्लान उन्होंने बताया है, इसमें कहाँ कोई, मैंने ऐसी चीज तो है नहीं जो छिपी हुई है।